वन ऑफ स्टैंडर्ड यू बात सैनियर सेकेंडरी स्कूल स्टैंडर्ड टेंथ सब्जेक्ट मैथ्स एक्सरसाइज वन चैप्टर नंबर वन क्वेश्चन नंबर फाइव हम इस वीडियो में कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर फोर तक हम लास्ट वीडियो में सॉल्व आउट कर चुके हैं। इस वीडियो में हमने जो क्वेश्चन नंबर फोर में रिपीट किया था वहाँ पर हमने स्क्वायरिंग किया था और यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड यूज हो की। तो हमें क्या करना है कि यूज़ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 9m, 9m+1, 9m+8। उसमें क्या बोला था कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके हमें शो करना था कि कोई पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m होता है या 3m+1 होता है। बट इन दिस क्वेश्चन हमें क्या शो करना है, क्यूब लेकर के शो करना है कि इसका पॉजिटिव इंटीजर का जो क्यूब होता है वो 9m, 9m+1 और 9m+8 होता है। तो इसका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये सेम है क्वेश्चन नंबर फोर की तरह, जैसे कि पहले हम यही लिखेंगे लेट एक्स बी एन पॉजिटिव इंटीजर एंड वाई इज इक्वल टू 3 बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है, क्यू आर प्लस आर, यहाँ पर एक्स वाई की जगह हम क्या लिख लेंगे 3q+r। फ्रॉम क्यू जो है वो ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो होगा एंड आर इज इक्वल टू 0, 1, 2 एज आर इज ग्रेटर देन जीरो एंड आर इज लेस देन 3। ओके, देयरफॉर इफ आर इज इक्वल टू 0, इफ यू पुट आर इज इक्वल टू 0, एक्स वन क्या हो जाएगा 3q+0 यानी कि 3q, एक्स टू हो जाएगा 3q+1 एंड एक्स थ्री हो जाएगा 3q+2। तो इन केस वन दिस वन वी कॉल्ड ए केस वन एंड केस टू एंड केस 3। ठीक है, एज पर क्वेश्चन सॉरी क्यूबिंग इन ऑफ ऑल केसेस बोथ साइड्स अब अगर हम इसको करते हैं तो देखिए केस वन यानी कि एक्स वन इज इक्वल टू 3q, इसका क्यूब लेंगे तो 3q का क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 3×3=9, 9×3=27 क्यूब। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक्स वन इज इक्वल टू हमारा क्या आया 27 क्यूब आया था एक्स वन का क्यूब, तो इसको हम क्या करेंगे 9 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 3q। ओके, नाउ लेट 3q एम इज इक्वल टू 3q³, देन एक्स वन क्यूब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9m। ओके, इक्वेशन नंबर वन। नाउ इन केस सेकेंड एक्स टू इज इक्वल टू क्या है हमारा 3q+1, इसका क्यूब ले लेंगे 3q+1 का होल क्यूब। होल क्यूब कैसे सॉल्व करते हैं हम, 3q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 × 3³ × 1 + 3q+1। ओके, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा एक्स टू का क्यूब इज इक्वल टू 27³ + 1 + 27² + 9q। अब इन तीनों में से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो हमारे पास एक्स टू क्यूब क्या आ जाएगा 9 × 3³, 3q² + 1। अब हम क्या लिखेंगे, लेट एम इज इक्वल्स टू 3q³, 3q² एंड q। इसको ब्रैकेट वाले को हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो हमारा x टू 3³ क्या हो गया 9m+1। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 2। अगेन इन केस 3 एक्स थ्री का क्यूब 3q+2 का क्यूब, ये भी क्या हो जाएगा 3q³ + 2q + 3 × 3q × 2 × 3q+2। तो ये आ जाएगा हमारे पास 27³, 54q² + 8। अब इन तीनों में से हमें क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो इन तीनों में से कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा 9
सिक्स क्यू स्क्वायर फोर क्यू एंड प्लस एट। अब इसको हम क्या मान लेंगे m, तो हमारे पास क्या आएगा लेट थ्री क्यू क्यू प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर प्लस फोर क्यू इज इक्वल टू m। तो हमारे पास x3 क्यूब क्या आया 9m प्लस एंड दिस इज अवर इक्वेशन नंबर थ्री। अब इक्वेशन वन टू एंड थ्री को देखो, जब हमने क्यूब लिया तो हमारे पास क्या मिला, या तो 9m या 9m प्लस वन या 9m प्लस एट। तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर फ्रॉम ऑल इक्वेशंस वन टू एंड थ्री explained above, it is proved the cube of any positive integer of the form 9m, 9m plus 1 और 9m plus 8। क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को प्रॉब्लम है, किसी को क्वेरी है तो वो पूछ सकता है। ओके okay?